नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अगला टॉपिक है एशिया की मर्दा। एशिया में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार का है। एशिया में मिट्टियों की बात करें तो एशिया की मर्दा है वो वहाँ की जलवायु ऊंचावच से मूलतः प्रभावित होती है और मर्दा पर जिस प्रकार की जिस क्षेत्र में मृदा या मिट्टी होगी उसी आधार पर उसी क्षेत्र में कृषि पाई जाएगी। कृषि की उत्पादकता और कृषि का प्रतिरूप वहाँ की मृदा पर निर्भर करता है। तो एशिया की मृदा है वो किस तरह से किन किन क्षेत्रों में विशेषताएं पाई जाती हैं। ये एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण शैल क्षरण से होता है। साथ ही प्राकृतिक वनस्पति जलवायु धरातल और भूगर्भिक बनावट इस प्रकृति को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है वहाँ की मिट्टी के निर्धारण करती हैं। किसी भी प्रदेश अर्थात प्रदेश की प्रगति वहाँ की मृदा के उपजाऊपन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एशिया में मृदा का अति महत्व है कारण कि क्योंकि एशिया के अधिकांश देशों की जनसंख्या या अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। एशिया में जो मृदा का निर्माण प्रक्रिया है वो दो प्रकार की है। पहली पोर्जोलीकरण। पोर्जोलीकरण से मतलब है वो क्षेत्र जहाँ पर ठंडे और आर्द्र प्रदेश है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा लेटेराइटीकरण अर्थात वह क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइटीकरण के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। तो एशिया में क्योंकि अधिकांश भाग है वो गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में आता है, गर्म क्षेत्रों में आता है, तो द्वितीय निर्माण प्रक्रिया है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एशिया की मिट्टियों का वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहली मृदा आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मतलब नदियों के जो प्रवाहित जल है उसके साथ मृदा है वो बहती है, वो जाकर निक्षेपित होती है, तो उस मृदा के कारण जो क्षेत्र का निर्माण होता है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। अवसाद या मलबा कहलाता है, वो जलोढ़ है। ये सबसे नवीन मृदा है और मानसूनी एशिया के डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे अधिकतम जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा का चाहे मैदानी भाग हो, चाहे उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश हो, इरावदी मेकांग नदियों का डेल्टाई भाग हो, दजला फरात का मैदान हो, सुमात्रा का पूर्वी तटीय क्षेत्र, सिंधु नदी का डेल्टा हो, यहाँ पर सबसे नवीन मृदा पाई जाती है। और सबसे नवीन मृदा होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ भी आती रहती है और सबसे उपजाऊ मैदान होने के कारण उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है और उत्पादकता होने के साथ साथ यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। दूसरा है पर्वतीय घाटी मृदा समूह। ये मृदा अत्यधिक जटिलता लिए हुए हैं। कहने का मतलब है पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा है, जैसे हिमालय है, पूर्वी तिब्बत है, आंतरिक बोर्नियो है, सुमात्रा है, जावा है, जहाँ पर तेज ढाल और घाटियों से लगातार भूस्खलन होने के फलस्वरूप मृदा का निर्माण हुआ है और मृदा की प्रकृति अत्यंत जटिल है। इसमें ह्यूमस की मात्रा हालांकि अधिक पाई जाती है, फिर भी किसी इस अत्यधिक जटिलता के कारण इस प्रदेश की मृदा को किसी एक अन्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसको एक अलग से श्रेणी बना दी गई है। एशिया में जो मृदा का निर्माण प्रक्रिया का जो सबसे मूल स्वरूप है लेटेराइटीकरण, तो सबसे ज़्यादा विस्तार है लेटेराइट मृदा का पाया जाता है। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होती है। उच्च तापमान व वर्षा के कारण सिलिका की परतें विखंडित हो जाती है तथा आंतरिक जल से स्थानांतरित हो जाती है। मृदा के जो ऊपरी भाग में लो अंश और चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसका रंग है लाल भूरा होता है और अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ जो ये कहें कि उपजाऊ खनिज तत्व है वो आंतरिक भागों में गहराई में चले जाते हैं या बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अंत में जो पीछे मर्जा बढ़ती है, हालांकि इसका मर्दा का उपजाऊपन कम होता है, होने की वजह मैंने बता दी कि अधिक वर्षा के कारण कुछ भाग बहकर दूसरी जगह इसके खनिज तत्व बहकर चले जाते हैं। इस तरह की मर्दा का विस्तार है एशिया के दक्षिणी व पूर्वी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडो चीन, मलाया, दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस में पाया जाता है। अगली आती मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलों में पाए जाने वाले थार का मरुस्थल जो पाकिस्तान, मंगोलिया से गोभी के मरुस्थल, उत्तरी चीन का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह की मृदा पाई जाती है। इसमें नमक की प्रधानता अधिक होती है और ये बलुई और भूरे रंग की होती है। इसमें वनस्पति की
ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। और वर्षा के अभाव के कारण ये यहाँ पर बालू रेत की प्रधानता पाई जाती है। अगली आती है चेस्टनट भूरी मृदा। ये मरुस्थलीय और आर्द्र प्रदेशों के मध्य वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके दो प्रधान क्षेत्र हैं, एशिया का एक तो स्टेपी घास का मैदान और पश्चिम एशिया, उत्तर भारत और उत्तरी चीन। यहाँ पर मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर कुछ घास और झाड़ियों के आवरण पाए जाने के कारण वनस्पति का और कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। यहाँ पर पर्याप्त जल की उपलब्धता के कारण ये कृषि के लिए भी उपयुक्त हैं। और अगली सबसे महत्वपूर्ण मृदा आती है चरणोजम या काली मृदा। यह भारत के मध्य या उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, एशिया, रूस व मंचूरिया के दक्षिण पश्चिम भाग में इस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसको रेगुर मृदा या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण है प्राचीन ज्वालामुखी शैलों के द्वारा हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इस मृदा में पहले सामान्य घास का आवरण था, किंतु अधिकांश क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के कारण यहाँ पर यह नष्ट हो गई और वर्तमान में कृषि के रूप में कपास का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगली मृदा आती पोडजोली मृदा। पोडजोली मृदा से मतलब है साइबेरिया के कोणधारी वनों की। ये जो मृदाएं हैं, आगे वाली तीन मृदाएं हैं, ये सारी के सारी वो मृदाएं हैं जिसका निर्माण पोडजोलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, अर्थात शीतोष्ण क्षेत्रों में इन मृदा का निर्माण हुआ है। तो साइबेरिया का जो कोणधारी वन है और उत्तरी चीन का ऊंच भूभाग है, कोरिया, उत्तरी जो जापान का भूभाग है, जो होकेडो द्वीप है वहाँ का भाग, वहाँ पर इस तरह की मृदा पाई जाती है जिसमें लोहा, चूना, पोटास, खनिज कांस है उसकी अधिकता होती है, जबकि वनस्पति का पर्याप्त मात्रा में अंश पाया जाता है। और इस मृदा की सबसे बड़ी पोडजोली मृदा है वो गेहूँ की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगली तीसरी मृदा आती पीली मृदा। एशिया की पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी जापान में पीली अथवा भूरी मृदा का विस्तार है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, परंतु पोटाश और वनस्पति की मात्रा कम होती है। ये कम उपजाऊ होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और अंत में आती है एशिया की जो टुंड्रा मृदा है। टुंड्रा मतलब जहाँ पर बेरिंग सागर से लेकर पश्चिमी यूराल तक, सीधा सा ये कहें कि रूस का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, अधिकांश भाग में लोहे का अंश और रेत की मात्रा अधिक है। वनस्पति का अंश बहुत कम पाया जाता है। अत्यधिक शीत के कारण इस पर सदैव हिम जमी रहती है, जिसके कारण इसका उपयोग लगभग नहीं के बराबर होता है। तो ये 9 प्रकार की मृदाएँ हैं जो यहाँ पर एशिया में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, पर्वतीय घाटी या पर्वतीय मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, चेस्टनट भूरी मृदा, चरणोजम या काली मृदा, पोडजोली मृदा जो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, पीली मृदा और टुंड्रा मृदा। ये 9 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो विशेषतः आपको यहाँ पर यह ध्यान ये रखना है कि इसमें इन मृदाओं की प्रत्येक मृदा में कौन कौन से क्षेत्र विशेष में पाई जाती है और वहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाए जाने का कारण क्या है। अगर कुछ छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं कि कपास मृदा किसे कहा जाता है या रेगुर मृदा किसे कहा जाता है या शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पादित पाई जाने वाली मृदा कौन सी है या एशिया के जो स्टेपी घास के मैदान हैं वहाँ पर किस तरह की मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर चेस्टनट मृदा पाई जाती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मृदा है। और इसके अलावा ऐसी कौन सी मृदा है जहाँ पर अधिक वर्षा के कारण लोहांश है वो उसके खनिज तत्व है वो घुलकर दूर चले जाते हैं, पीछे कम उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिसको लेटेराइट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह की कुछ मृदाओं का जो वर्गीकरण है आपको विशेषतः ध्यान रखना है। और इसका बड़ा प्रश्न इस तरह से आता है कि एशिया की मृदा का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये दोनों तरह से आ सकता है, अगर बड़ा आता है तो आपको डाइविड डायग्राम के साथ बनाना है, और अगर छोटा प्रश्न आता है तो आपको सिंपल से इसकी बेसिक जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है।